और वास्तव में ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफ़ी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में के क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा और इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चली। मैं मेरे विभाग के पूर्ववर्ती सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को और पूरे विभाग की टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय से चले हुए प्रोजेक्ट को आज पूरा करके देश की जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से हम सबके प्रेरणादायी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारे विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि इसके लिए उपलब्ध जो प्रारंभिक साधन थे 704 करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें NIC के अधिकारियों के द्वारा, हमें UIDAI के अधिकारियों के द्वारा और हमारे विभाग के अधिकारियों के अथक परिश्रम के द्वारा किए गए। मैं ये मानता हूँ कि देश के श्रम क्षेत्र में काम कर रहे हमारे जितने भी मजदूर संगठन हैं उनके साथ जब इस विषय को लेकर के हमने बैठक करी तो हमारे सारे मजदूर संगठन, चाहे हमारे BMS हो, हमारे इंटक हो, C2 हो, एटक हो, TUCC हो, जितने भी फेडरेशन हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने सुझाव लिए और मैं ये मानता हूँ ये एक व्यापक विचार विमर्श के आधार पे, एक सहमति के आधार पे, एक परस्पर संकल्प के आधार पे सब ने एक संवित स्वर में ये कहा कि ये जो पहल है इसको सब लोगों ने बड़े हृदय के साथ स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इन सब प्रयासों के कारण जो हम कहते हैं कि जिनकी मेहनत देश का आधार है उनका आज सपना हुआ साकार है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।